चंचल न्यूज के विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ है एक साक्षात्कारी ऋषि पत्नी, समर्पण ध्यान योग के प्रणेता श्री सदगुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी की धर्मपत्नी, जो एक सफल शिक्षिका भी थी एवं आज भी उत्तम लेखिका के रूप में समाज को मार्गदर्शन प्रदान करते आ रही है। समाज संबंधित बहुत सारे विषयों पर उनके विचार जानने को मिलते हैं। तो आइए आज हमसे उनसे लिखित पुस्तकों द्वारा कुछ विषयों को लेकर उनसे कुछ विशेष बातें जानते हैं। गुरुमा, सबसे पहले तो चंचल न्यूज के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्ते। गुरुमा, आपकी एक पुस्तिका संस्कृति समझे और अपनाए में आपने तुलसी, तिलक, कलश, मेहंदी, स्वस्तिक एवं मंगलसूत्र से लेके मासिक धर्म में स्त्रियों को पहले के जमाने में रसोई घर में जाना क्यों वर्ज था, इसके बारे में तार्किक रूप से समझाया है, जो आज के इस युग में इन सब बातों को महत्व देना कितना उचित है। मेरा ऐसा मानना है कि पुरानी बातें थी वो बिल्कुल अवैज्ञानिक थी, ऐसे नहीं कह सकते, और यदि वो बातें वैज्ञानिक हैं तो उन्हें मानने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी विज्ञान का युग है। पुरानी जो बातें होती थी वो पुराने लोग विज्ञान को नहीं मानते थे, वो भगवान को मानते थे, इसलिए सारी चीज़ें भगवान के नाम से की। अभी जैसे कहें तुलसी, तो तुलसी आज साइंटिफिकली हम कहते हैं कि हाँ, तुलसी जो है वो ओजोन यानी O3 रिलीज़ करती है। तो अभी देखिए, इतना शहरों में प्रदूषण होता है, यदि हर घर में एक तुलसी हुई तो O3 रहेगा यानी ऑक्सीजन हमें काफ़ी रिच अच्छी क्वांटिटी में मिल सकेगा, तो घर में वो उस प्रदूषण का इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह से मतलब अन्य भी सारी बातें जो हैं वो साइंटिफिक हैं, लेकिन मैं साथ साथ ये भी मानती हूँ कि हमें ऐसे ही किसी बात को नहीं मान लेना चाहिए, तार्किक रूप से समझ करके उसे अपनाएंगे तो हम खुले दिल से अपनाएंगे और उस तरह से करने में हमें कोई झुंझलाहट नहीं होगी, कोई अंदर से ऐसे लगे मतलब रिग्रेट नहीं होगा किसी बात का। क्योंकि जैसे पुराने समय में कहते थे कि मासिक धर्म में आप रसोई घर में मत जाइए, या पूजा घर में मत जाइए, या कुएं पे मत जाइए, इस तरह की कई बातें कही जाती थी, तो उसके पीछे का उद्देश्य इतना ही था कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को, कन्याओं को, लड़कियों को, सभी को आराम मिले, क्योंकि वो स्थिति जो होती है वो शरीर की दृष्टि से थोड़ी नाजुक स्थिति होती है, और चूंकि उस समय शरीर से मतलब हम साइंस में तो पढ़ते ही हैं कि गर्भाशय के अंदर की लेयर जो है वो पूरी तैयार हुई रहती है जब वो स्त्री बीज और पुरुष बीज यानी वो कुछ कंसीव नहीं करती है, तो फिर वो फिर से उसका सारा जो है वो जो तैयार हुई है सॉफ्ट अंदर गद्दी तैयार होती है बेबी को कंसीव करने के लिए, तो वो पूरा रिलीज़ होता है, तो वो जो रिलीज़ होता है वो जो निकलता है, तो वो एक जो निकलने की प्रक्रिया चल रही है अंदर से, तो उस समय स्त्री जो है वो लड़की जो है वो काफ़ी उसको आराम देने की थोड़ी ज़रूरत होती है, उसे रिलैक्स रहने की ज़रूरत होती है, उसे किसी तरह का तनाव ना हो इस तरह की स्थिति देने की आवश्यकता होती है। उसी हिसाब से कहा गया, लेकिन यूं ही कह देते कि घर की महिलाओं को कि बाबा ये दिनों में आप 5 दिन काम मत कीजिए या 3 दिन काम मत कीजिए, तो क्या घर के लोग सुनते? शायद नहीं सुनते। आज की भी स्थिति में कितना सुनेंगे। मैं भारतीय महिलाओं के संदर्भ में कह रही हूँ ये बात कि घर में महिलाओं को काफ़ी जिम्मेदारियाँ होती है, घर संभालना होता है, और आज के समय में कहें तो वर्किंग वुमेन होती है, महिलाएं कामकाजी होती हैं, उन्हें काम भी करना होता है, तो उन्हें आराम देना कठिन है। अब उन्हें कहा जाए, घर के पुरुषों को कहा जाए कि बाबा महिलाएं, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, पति पत्नी और बच्चे रहते हैं, संयुक्त परिवार कम होते जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में यदि कहें पुरुषों से कि बाबा ये 3 दिन है ना वो आप खाना बनाना, सुबह का नाश्ता आप बना लीजिए, ये भी आप कर लीजिए, सारा काम रसोई समेटने का काम भी आप कर लेना, और जो भी काम है ये आप कीजिए, और चूँकि ये 3 दिन ऐसे हैं कि जिसमें स्त्री की शारीरिक स्थिति थोड़ी नाजुक है, तो यानी मान लो वो मैं ही हूँ तो मैं कहूँ कि बाबा मैं आराम करूँगी आप काम कीजिए, तो कितने घरों में आराम से इस बात को मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो पुराने समय में ये था कि उन्होंने धर्म के साथ जोड़ दिया, अब ये वक्त के साथ किसी ने पूछा नहीं कैसा क्यों,
तो अब आज की पीढ़ी, अभी मंदिर में मत जाओ कि छूत तुम, मतलब अछूत की तरह व्यवहार शुरू हुआ। इसी से जो है वो महिलाओं में भी आक्रोश बढ़ा कि अरे हम क्या अछूत हैं क्या, क्योंकि यदि ये नहीं होता तो शायद ये सृष्टि नहीं होती, बच्चों का जन्म ही नहीं होता। तो ये जो एक क्रोध था, जो एक गुस्सा था, उसकी वजह से स्त्रियों ने स्वयं इस चीज़ का विरोध करना शुरू किया। तो ये जो भी है, आज इसको यदि हम तार्किक तौर पे समझ लें, वैज्ञानिक तरीके से भी समझ लें, थोड़ा सा आराम यदि कर सकें तो अच्छा है। बाकी इसमें ऐसे कुछ नहीं कि वो अशुद्ध होता है, आप उसे आराम से गले लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कुछ नहीं होता, वो बाकी की बातें जुड़ गई। वो गुरुमा, भारतीय संस्कृति को आप काफ़ी हद तक महत्व देती है, ऐसा हमें पुस्तिकाएं और प्रवचन से पता चलता है। परंपरा के पीछे रही बातों के कारणों को जानकर उसे अपनाना ज़्यादा सही है, परंतु वर्तमान के ग्लोबलाइजेशन के युग में संस्कृति के रखरखाव और उनके अन्य अंगों के बारे में आपका क्या कहना है, जैसे कि शास्त्रीय संगीत, नृत्य, शिल्पकला, आयुर्वेद आदि? तो हमारी जो संस्कृति है उसी का हिस्सा है, नाट्य कला हो या शास्त्रीय संगीत हो, लोक नृत्य हो, लोक संगीत हो, आयुर्वेद हो, सारी चीज़ें हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं। और अब ये क्यों था, या इसका क्या महत्व है, या इसका हम संगोपन करें या नहीं, संवर्धन करें या नहीं? तो संगीत जो है ये हमें आनंद देता है अंदर से, यदि हम सचमुच, आप अपने भी जीवन में कभी भी करके देखिए कि यदि हमें किसी भी बात का स्ट्रेस है, हमें किसी भी तरह का तनाव है, तो हम क्या करते हैं, तनाव होता है तो हम वो करते हैं जो करना हमें अच्छा लगता है। यानी हमें यदि संगीत पसंद है, हम कुछ देर यदि संगीत सुन लें तो हमें अच्छा लगता है। किसी को तनाव होने से एक आध कप चाय पी के अच्छा लगता है, किसी को एक कप कॉफ़ी पी के अच्छा लगता है, किसी को कुछ खा के अच्छा लगता है, और किसी को बाहर टहलने जाके अच्छा लगता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे जीवन में तनाव कम करने के लिए थी। तो शास्त्रीय संगीत भी जो है वो भी हमारे तनाव को बहुत हद तक कम करता है, और न केवल हमारे तनाव को कम करता है बल्कि इसका असर अभी तो साइंटिफिक रिसर्च भी हो रही है इसके ऊपर, कि यदि हम खेती कर रहे हैं और शास्त्रीय संगीत नियमित रूप से वहाँ लगाया जाता है तो जो हमारी खेती है उसके ऊपर अच्छा परिणाम होता है। यदि हम गौपालक हैं और गौशाला में यदि कुछ समय तक हमारा संगीत सुनाया जाए गायों को, तो कहते हैं कि दूध अच्छा आता है, काफ़ी मात्रा में आता है, उसमें सुधार होता है, उसकी गुणवत्ता में सुधार होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका इफ़ेक्ट होता है। इसी तरह यदि हम आयुर्वेद का भी कहें, अभी किसी को लगेगा भी दवाइयों की बातें कहाँ से आ गई, तो आयुर्वेद केवल दवाइयाँ नहीं हैं, आयुर्वेद भी हमारे जीवन का अंग है, जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की पद्धति है। क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे हम भोजन कैसे करें, भोजन का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर होता है, हर कोई मानता है। हम जब अपने जीभ की पसंद का खाते हैं तो कई बार फिर हमें रात को उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन यदि हम शाम को सादा खाना खाएं, दिन में हम चाहे थोड़ा अपने मन के हिसाब की कर भी लें तो एक बार को चल जाता है। आयुर्वेद हमें जो हमारी जो क्या बोलते हैं घरेलू जो दवाइयां हैं, नुस्खे हैं, वो भी शायद आयुर्वेद का ही हिस्सा हैं। हमारे जो रसोई घर में मसाले का डिब्बा है, हम सब जानते हैं, वो औषधियों का खजाना है। तो आज विदेश में भी वो लोग मानते हैं, जैसे हल्दी जैसी चीज़ों को भी वो लोग गोल्डन शेक और पता नहीं क्या क्या बोल के हल्दी वाला दूध लेते हैं, जबकि हमारी परंपरा में तो काफ़ी प्राचीन था, कभी चोट लगी तो कहते थे हल्दी वाला दूध पी लो, जुकाम हुआ, जोड़ों में दर्द है, हल्दी वाला दूध ले लो। तो कहने का अर्थ ये सारी हमारी परंपराएं हैं, यदि हम इन्हें संभालेंगे, हम हमारे बच्चों तक उन्हें पहुंचा सकेंगे, तो उससे बच्चों को अपना जीवन स्वस्थ रूप में जीने में सहायता होगी। शास्त्रीय संगीत को यदि हमने संभाला तो हम हमारी इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, बच्चों को जब कभी टेंशन होगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को कभी टेंशन हुआ, मानसिक शांति की आवश्यकता हुई, तो वो कहाँ जाएंगे? तो उन्हें ये सारी चीज़ें हम एक हमारी परंपरा को कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं ना, जैसे
कि आगे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। आगे फिर वो बच्चे जाने कि उन्हें अपनी मानसिक शांति कहाँ ढूंढनी है, शोरगुल में ढूंढनी है या कहीं शांति से बैठ के ढूंढनी है, कुछ सुन के ढूंढनी है या फिर नृत्य करके ढूंढनी है। क्योंकि मन की शांति हर जगह है। आप शिल्प भी करते हो, आप चित्रकारी भी करते हो, आप रंगोली बनाते हो, हर किसी में हमें मन की शांति मिलती है। और हम एक बार को एक्सप्रेस कर देना, आप भी कभी ट्राई कीजिएगा कि लेखन, ये भी हमें मन की शांति देता है। यदि आपके मन में किसी के भी प्रति गुस्सा है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, कई तरह के अनुभव होते हैं, कभी बॉस डांटता है, कभी पड़ोसी की झिकझिक होती है या कुछ भी हो जाता है आते जाते रास्ते में, आपको बहुत क्रोध है, बहुत आक्रोश है, या कह लो समाज व्यवस्था से आक्रोश है, राजनीतिज्ञों से आक्रोश है, जो भी है, आप एक डायरी लीजिए और आप अपने पूरे गुस्से को उतार दीजिए उस डायरी में, और फिर शांति से आप एक ग्लास पानी पी लीजिए, थोड़ी देर बाहर टहल लीजिए, थोड़ी देर यदि आप शाम का समय है आप सितारे देखिए, दिन का समय है आप प्रकृति देखिए, और आप देखिए आपको कितना अच्छा लगता है। आपने एक बार आपकी भड़ास निकाल दी ना, उसके बाद में आपका मन शांत हो जाएगा। उसके बाद में फिर आप संगीत सुनिए या कुछ भी कीजिए। ये सारी चीज़ें हमारी संस्कृति का हिस्सा है, वो लेखन हो, वो गायन हो, वादन हो, तो इसलिए हमें उसको संभालना चाहिए, जिस हद तक हो सके संभालना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम शास्त्रीय जो गाने वाले हैं उन्हें हम अच्छे से सुन लें तो भी हम संवर्धन कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हम सुन करके हम सीखें और हम गाना शुरू करें। हो सकता है हम बहुत अच्छे गायक ना हो, सुने अच्छा गाने वालों को प्रोत्साहित करें, वो भी हम कर सकते हैं और मुझे लगता है करना चाहिए। गुरु मां, आजकल हमें महिला सशक्तिकरण के विषय में बहुत सारे किस्से सुनने को मिल रहे हैं, तो आप इसके बारे में महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगी? क्या चूल्हे और चौके के पीछे अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देने वाली देहाती महिलाओं के उत्थान के लिए ध्यान मददगार हो सकता है? बहुत हो सकता है। एक्चुअली ना, हम महिलाओं के बारे में ही मैं कहूँगी कि हमने कहा चूल्हे चौके के पीछे, यदि हम ये सोचते हैं कि चूल्हा चौका ये निम्न कोटि की बातें हैं तो ये हमारी सोच है। जिस दिन हमने चूल्हा चौका बंद कर दिया ना, उस दिन सबको नानी याद आ जाएगी। तो चूल्हा चौका या घर संभालना ये बिल्कुल भी निम्न दर्जे का नहीं, बहुत उच्च कोटि का काम है। उसे हम कह सकते हैं होम मेकर, हम लोग डोमेस्टिक इंजीनियर्स हैं, घर का हर काम संभालते हैं और न जाने कितने इंजीनियरिंग के काम करते हैं। हम लोगों में इंटीरियर डेकोरेटर का एक दृष्टिकोण होता है, हम घर को सजा के रखते हैं, हम एक ब्यूटिशियन होते हैं, अपने आप को भी सजा संवार के रखते हैं, अपने बच्चों को भी सजा संवार के रखते हैं, हम एक गार्डनर होते हैं, घर के छोटे मोटे गमले या घर में यदि बगीचा है तो उसे भी संभालते हैं। तो सिर्फ घर में रहना और घर को संभालना ये कम काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। एक महिला जो है ना, वो पूरे घर की धुरा होती है। जिस तरह से धुरा के ऊपर पूरी धरती घूमती है, एक्सिस कहते हैं ना, उसके ऊपर पूरी धरती घूमती है। अब यदि एक्सिस डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा? यदि घर की महिला बेड रिडन हो तो उस घर की कंडीशन क्या होती है? किसी से छुपा नहीं है, सभी को पता होता है। तो घर का काम करना या घर में रहना और इन सब में ध्यान, ये तो इतनी सहायता करता है सभी के लिए, गृहिणी के लिए भी, ग्रामीण महिलाओं के लिए भी, शहर की महिलाओं के लिए भी, और सभी के लिए। मैं ये नहीं कहती कि इसमें महिला ही सशक्त हो, क्योंकि मैं दिल से मानती हूँ कि आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, और जब आत्मा का कोई लिंग नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, तो आत्मा स्त्री हो या पुरुष हो, देह तो कोई भी हो सकती है, स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन चूंकि ऐसे कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां कमज़ोर होती हैं, इसलिए हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण। दरअसल महिला बहुत स्ट्रांग होती है, महिलाओं को अंदर से, वो चाहे आपको शरीर से हो सकता है लगे कि दुर्बल है, लेकिन घर का भारी से भारी सामान वही हिलाती है, घर का भारी से भारी काम वही करती है। घर में अचानक से 20-25 मेहमान आ जाएं
तो खाना भी वही पकाती है, नाश्ता भी वही बनाती है। घर में यदि बिजनेस में कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाए तब भी घर के पुरुष को, घर के बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी उसी की होती है। वो मानसिक रूप से भी संभालती है, जबकि जानती है कि कल उसे क्या फेस करना पड़ेगा पता नहीं। यदि घर में मतलब बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ है, कुछ भी हुआ है, यहाँ तक कि वो अपनी संतान खो भी देना तो भी वो पति को सपोर्ट करती है। वो बोलती नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, अब जो होना था हो गया। तो कहने का अर्थ, वो भीतर से बहुत स्ट्रांग होती है, दिल से बहुत स्ट्रांग होती है। हो सकता है शरीर से लगे कि वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, वो सामना नहीं कर सकती सबका, लेकिन वो भीतर से बहुत स्ट्रांग होती है। और महिला सशक्तिकरण के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सबसे पहले ध्यान करना चाहिए। ध्यान करके वो अपने आप को शांत रख सकती हैं, और जो उसके मल्टीपल टास्किंग होती है, उसे हज़ार काम होते हैं, भाइयों को भी हज़ार काम होते हैं। मैं नहीं कहना चाहती कि पुरुषों को काम नहीं होते, उन्हें भी बहुत काम होते हैं, और बल्कि मुझे कई बार लगता है कि स्त्रियां तो अपने आप को अभिव्यक्त कर लेती हैं। वो अपनी सखियों, सहेलियों, अपनी जो भी क्लोज होता है उसके सामने रो धो करके अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति कर लेती है, लेकिन पुरुष कई बार बोलते नहीं हैं, वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन फेस तो उन्हें भी करना पड़ता है। लेकिन चूंकि हम, आपने महिला सशक्तिकरण की बात की तो महिलाओं की बात करते हैं। वो ध्यान करें, वो ये जाने कि उन्होंने ये जन्म क्यों लिया। तो जो मेरी अपनी मान्यता है कि हम सब ने, जब हम आत्मा थे, उस आत्मा के रूप में हमने डिसाइड किया कि हमें स्त्री बनना है या पुरुष। हमने स्वयं अपने माता पिता का चुनाव किया कि हम इस घर में जन्म लेंगे, तो स्त्री होने का रिग्रेट हमें होना नहीं चाहिए, पश्चाताप या दुख हमें होना नहीं चाहिए। हम स्त्री बने क्योंकि हम स्त्री बनना चाहते थे, क्योंकि हम जानते थे कि स्त्री कितनी सशक्त होती है, वो स्त्री बनकर क्या कर सकती है, ये हम जानते थे, तभी हमने स्त्री के रूप में जन्म लिया। एक बार जब हम इस बात को जान लेते हैं तो पहली बात होती है कि हम संतुष्ट होते हैं कि हम स्त्री हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम स्त्री हैं तो पुत्री के रूप में माता पिता का बहुत प्यार पाते हैं, और हमें दुनिया को एक बहुत कलात्मक तरीके से देखने का नज़रिया मिलता है, जो बहुत ही क्या बोलते हैं, कॉमन है ये बात, सामान्य है ये बात कि प्रत्येक स्त्री में सौंदर्य की एक विशेष दृष्टि होती है। वो उस दृष्टिकोण से पूरी दुनिया को देख पाती है, पूरी दुनिया को एक बगीचे की तरह, एक माली की तरह देख पाती है, और बहुत बचपन से ये गुण होता है। मतलब एज अ टीचर मैंने अपने स्टूडेंट्स में देखा, एक बार एक जगह कहीं कार्यक्रम देने जाना था बच्चों को लेकर के, कल्चरल प्रोग्राम था, और 20 बच्चों को लेकर के गई थी, और एज ग्रुप था 5 to 7, सो छोटे बच्चे थे। उन बच्चों को लेकर के गई, बच्चों को ग्रीन रूम में कॉस्ट्यूम वगैरह पहनने के लिए, बॉयज़ को गर्ल्स को अलग अलग किया उन्होंने कपड़े पहने, और वन बाय वन प्रोग्राम था, वैसे वैसे बच्चे तैयार होते जा रहे थे, देने के लिए जाते जा रहे थे। तो लड़कों का हुआ कार्यक्रम, फिर लड़कियों का था, फिर ये, तो मैं बीच में आकर के ग्रीन रूम में चेक कर लेती थी कि हाँ कोई बच्चा इधर उधर कुछ हो, मतलब सब वहीं रहें, इधर उधर ना जाएं। मैं आई बीच में, देखा एक लड़की कपड़े फोल्ड करके रख रही थी, तो मैंने उसको कहा बेटा, मतलब देखा तो लड़कों के कपड़े वो तहा के रख रही थी व्यवस्थित, तो मैंने कहा बेटा ये क्या कर रहे हो, तो बोली देखो ना ये बॉयज़ कितने अनटाइडी हैं, सारे कपड़े ऐसे ही फेंक के चले गए। और सच में सारी लड़कियों ने अपने कपड़े व्यवस्थित रखे थे, और लड़के ऐसे ही निकाल करके, मतलब यूनिफॉर्म था सो निकाला, और जो कार्यक्रम के लिए कपड़े पहनने थे वो उन्होंने अपने कॉस्ट्यूम पहने और गए थे, तो वो उसको व्यवस्थित करके रख रही थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, वो लोग आएंगे तो अपने कपड़े जैसे रखे वैसे पहन लेंगे। नहीं ना मैडम, ऐसे थोड़ी है, वो ऐसे कपड़े रखेंगे फिर उसके ऊपर क्रीज पड़ जाएगी तो अच्छा नहीं है ना, जब वो वापस जाए तब भी उन्होंने अच्छे से कपड़े पहनने चाहिए। तो ये एक मातृत्व का भाव जो बच्ची में देखा, वो सच में बहुत दुर्लभ है। मतलब वो औरों में देखना
कम मिलता है, लड़कियों में कॉमनली मिल जाता है, धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है लेकिन फिर भी आज भी वो भाव तो जीवित है। गुरुमा, हमने सुना है कि समर्पण परिवार की ओर से एक वर्ष महिला वर्ष के रूप में मनाया गया था, उस समय महिलाओं के बारे में कैसे कार्यक्रम होते थे? क्या आज भी आपकी ओर से महिलाओं के लिए ऐसे कार्यक्रम होते हैं? महिलाओं के लिए हाँ, जो वर्ष घोषित किया था उस वर्ष महिलाओं के लिए कुछ कार्यक्रम सेंट्रली रखे थे आश्रम में, और वहाँ पे महिलाओं को बुलाया गया था, एक एज ग्रुप दिया गया था, उस एज ग्रुप के महिलाओं को बुलाया। और उस समय की विशेष ये मतलब मेरा बहुत जोर था कि महिलाओं ने अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबका ध्यान देने वाली महिला स्वयं बीमार होती है और उसे मुझे कमज़ोरी लग रही है ऐसा वो कभी कहती नहीं है, थकान लग जाती है, क्यों थकान लग रही है वो कभी सोचती नहीं है। तो बहुत उसके लिए अवेयरनेस का एक प्रोग्राम जैसे ही चलाया था कि जहाँ जहाँ भी महिलाओं की, क्योंकि भारत भर में सेंटर्स हैं तो अलग अलग स्थानों पर उसके कार्यक्रम हुए, और मैंने अपनी तरफ से सबको ही रिक्वेस्ट भेजी, हर जगह तो मैं नहीं जा पाई थी लेकिन जहाँ जहाँ मैं जा सकी वहाँ वहाँ गई। तो दिन भर का कार्यक्रम होता था, सुबह से शाम तक का, तो उसमें अलग अलग टॉक्स थे और मैं भी, वो टॉक्स होते थे उसमें भी जैसे प्रश्नोत्तर होते थे, एक बार किसी महिला ने मतलब किसी भी एक विषय पे बोला है तो उसके बाद में प्रश्नोत्तर होते थे साधिकाओं द्वारा, तो उसमें फिर बीच में मैं भी कुछ बोलती थी जहाँ मुझे लगता था कि इनको बोलने की आवश्यकता है या पूछने की आवश्यकता है। तो विशेष तौर पर हर जगह मैंने सजेस्ट किया था कि डॉक्टर्स को ज़रूर रखा जाए और वो स्वास्थ्य के विषय में लोगों को जागृति लाएं, महिलाओं में जागृति लाएं, वो स्वस्थ होंगी वो अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगी। भोजन का हमेशा उसके अंदर रखा गया क्योंकि समय के साथ साथ बदलाव आया है हम सब के भोजन में, तो भोजन के विषय में भी थोड़ा सा अवेयरनेस लाने की आवश्यकता लगी, तो उसका भी एक छोटा टॉक रखने के लिए कहा था कि भोजन के विषय में कहें कि ट्रेडिशनली हम ये खाते थे और वो हमें कितना स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्यवर्धक भोजन था या कैसा भोजन हमें करना चाहिए, ऋतु के अनुसार कैसा भोजन करना चाहिए, इत्यादि विषयों पर हम लोगों ने चर्चा की थी महिला वर्ष में। इसके अलावा महिलाओं ने क्या कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, या हम महिलाएं हैं तो इसको हम प्लस पॉइंट मान के चलें और इसलिए हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और जब हम कहते हैं समानता तो अपने लिए कोई विशेष अधिकार मत मांगो, ऐसा मेरा मानना है कि जब हम कहते हैं कि नहीं महिलाओं को पुरुषों को समानता दो, तो दरअसल ना स्त्रियों ने पुरुषों को समान मानने की आवश्यकता है। हम कहते हैं नहीं हम महिलाएं हैं तो मतलब हमें लेडीज़ फर्स्ट करके, क्यों लेडीज़ फर्स्ट? तो अपने आप को समान मानो ना, आप समान मानो तो जितनी शक्ति उनमें उतने सशक्त आप हैं, जैसे देह उन्हें मिली हमें भी मिली है तो हम क्यों किसी चीज़ में प्रेफरेंस मांगे, हम सब कर सकते हैं और हम हर चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। समान मानेंगे तो कंपटीशन होगी तो उससे हमारे अंदर की शक्ति बल्कि बढ़ेगी, जब क्योंकि हम किसी को कॉम्पीट करते हैं तो हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, स्पर्धा देने के लिए हम अधिक प्रयास करते हैं और उतने ही अधिक प्रगति करते हैं। मैं चाहती हूँ प्रत्येक ने प्रगति करनी चाहिए और प्रत्येक महिला सशक्त होनी चाहिए, प्रत्येक के अंदर झांसी की रानी है, जहाँ आवश्यकता हुई तो वो सब कार्य कर सकती है, वहीं प्रत्येक के अंदर देवी अहिल्या है जो इंदौर की रानी थी, महारानी थी, और उन्हें देवी अहिल्या कहा जाता है, रानी अहिल्या नहीं कहते हैं, महारानी नहीं कहते हैं, तो सोचिए ना देवी अहिल्या क्यों कहते होंगे। देवी का दर्जा उन्हें इसलिए दिया, वो बहुत अल्पायु में विधवा हुई, सती प्रथा का समय था, किंतु उनके ससुर ने ही उनको बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि बेटा तू सती मत जा, तुम सती मत जाओ, तुम रहो और तुम्हारा बेटा भी बहुत छोटा है तुम उसे संभालो। और उन्होंने अपने राज्य की प्रगति के लिए इतना कार्य किया कि पूरा राज्य उनका ऋणी। उन्होंने जैसे पुरुष है उस समय में युद्ध के लिए जाते थे, खेतीहर मजदूर लोग तो खेती करते थे लेकिन युद्ध के लिए जाते थे तो महिलाएं क्या करें, तो उन्होंने महिलाओं के लिए लूम लगवाई और साड़ियाँ वगैरह बनाना शुरू किया, आज भी माहेश्वरी साड़ी करके प्रसिद्ध है, महेश्वर साड़ी होती है,
वो उन्होंने शुरू किया। शिव भक्त थी, सुबह 3-4 बजे उठ करके नर्मदा में स्नान करके रोज पूजा इत्यादि करके प्रजा हित के लिए ही सारे काम करती थी, तो उन्हें प्रजा ने देवी का दर्जा दिया। तो हम सभी में वो शक्ति है, ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ झांसी की रानी में वो शक्ति थी, सिर्फ देवी अहिल्या में वो शक्ति थी, सिर्फ माता जीजा में वो शक्ति थी कि वो शिवाजी बना सकी। तो हम सभी महिलाएं यदि सचमुच रिस्पेक्ट चाहती हैं ना, समाज में बदलाव चाहती हैं, पहला कर्तव्य है कि हम जो अपने आसपास जो भी है उसमें हम जो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी भाई के रूप में भाई को क्या समझा सकते हैं कि मैं तेरी बहन हूँ ना, तो बाकी की भी जितनी है ना वो भी आपकी बहनें हैं। जब आपका संबंध जुड़ेगा और विवाह होगा तो होगा, तब उसको पत्नी के रूप में देखो, लेकिन तब तक सारी स्त्रियां माता हैं, बहनें हैं। ये देखने का एक शुद्ध दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण हम दें। यदि हम माता हैं तो हम अपने बच्चों को लड़कियों के समान इक्वली हर बात सिखाएं। क्या हम सचमुच माता के तौर पे हमने अपने बच्चों को रसोई घर में काम करना सिखाया? सुबह की चाय तुम बनाओगे, ये काम, ये जिम्मेदारी दी। भोजन के बाद में डाइनिंग टेबल सफाई तुम्हारा काम है, अपने अपने कमरे की सफाई तुम करोगे और सामान व्यवस्थित भी तुम रखोगे। क्या ये हमने अपने बच्चों को सिखाया? तो यदि हम माता हैं तो स्त्री के तौर पे ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें ये सिखाएं, उनके अंदर ये एक बात दृष्टि की जो शुद्धता है ना, वो माताएं ला सकती हैं, बहनें ला सकती हैं। बाकी जब गर्भाधान होगा ना, उस समय में अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि गर्भाधान संस्कार बहुत महत्व का है। यदि उस बात को भी ध्यान में रखेंगे ना, तो चित्त शुद्धि के साथ ही शिशु का जन्म होगा, और आज तक जो भी हुआ, आने वाली संतानें, आने वाला भारत, आने वाला कल भारत का बहुत अच्छा होगा, यदि हम महिलाएं इस बात को समझ सकें तो। गुरु माँ स्वामी जी कई सालों तक हिमालय में साधनारत थे और आपने समाज में रहते हुए परिवार संभाला, नौकरी की, आपके संघर्ष हमें आपकी आत्मकथा माँ ग्रंथ में पढ़ने को मिल रहे हैं, जो समाज की प्रत्येक स्त्री के लिए प्रेरणादायी है। आपका गृहस्थ जीवन एक मिसाल है। अगर हम आज के समाज की बात करें तो आज के यूज एंड थ्रो के युग में वैवाहिक संबंध भी मजबूत नहीं रहा है, तो सफल दाम्पत्य जीवन के लिए आप दंपतियों को क्या संदेश देना चाहोगी? आपकी बात सही है कि यूज एंड थ्रो, वो ना एक मानसिकता बनती जा रही है, तो हम रिश्तों को भी यूज एंड थ्रो करने लगे हैं। तो दाम्पत्य जीवन के विषय में तो मैं इतना ही कहूँगी कि पहले ना प्रत्येक व्यक्ति अपने विषय में तो समझ ले, यदि वो ये जान लेना कि उसने जन्म क्यों लिया है, तो वो ये भी जान लेगा कि हमें कैसे रहना है। और रही दाम्पत्य जीवन की बात, तो जीवन हमेशा आधा ग्लास पानी होता है, हर कोई जानता है, मानता नहीं है, और जो नहीं मानता है वो असंतुष्ट रहता है। और ये तो जैसे मान लो कि दाम्पत्य जीवन में, अपने जीवन में तुमने कैसे, मतलब जब स्वामी जी को जाने दिया तब भी, मतलब वो जाना चाहते थे, कुछ सीखना चाहते थे, गुरुओं से ज्ञान पाना चाहते थे, तो उन्हें जब जाने दिया तब भी बिल्कुल घर के नज़दीक के लोगों से लेकर के समाज में हर किसी ने कहा कि अब वो वापस नहीं लौटा तो क्या करोगी, ऐसा नहीं हुआ तो क्या करोगी। और मेरा बहुत, पता नहीं, मेरा बहुत दृढ़ विश्वास है इस बारे में कि ना, इंसान जो करना चाहता है, यदि बहुत दिल से चाहता है ना, तो दिल की एक इच्छा उसको पूरी करने देना चाहिए। हर इच्छा नहीं, लेकिन एक इच्छा कोई होती है जो हम ना जीवन का ध्येय लेके चले होते हैं। जैसे मैंने कहा, हमने अपनी इच्छा से जन्म लिया, तो आत्मा भी तो कोई एक अपना मोटिव लेकर के चली होगी ना, तो आत्मा ने क्या सोच करके जन्म लिया। तो यदि उनकी बहुत इच्छा हो रही है कि मैं जाऊं गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करूं, आत्मज्ञान प्राप्त करूं, तो मुझे लगा कि उनको जाने देना चाहिए, क्योंकि मैं भी बचपन में बड़ी जिद्दी थी, मतलब हर बात में नहीं, किसी किसी बात में बहुत अड़ जाती थी। तो तब उस बात को कि जब कोई चीज़ मुझे चाहिए, मतलब चाहिए होती है, यदि कोई वो बहुत स्ट्रांग इच्छा हो, तो जीवन में एक या दो ही ऐसी इच्छाएँ रही कि जिसके लिए मैं बहुत अड़ गई होंगी, लेकिन मुझे ऐसे लगता था यदि इतनी ही दृढ़ इच्छा इनकी है तो इन्हें जाने दो,
तो इन्हें जाने दिया तभी ये लौटे। तो हर किसी को ना दाम्पत्य जीवन में स्पेस देने की आवश्यकता है। कि आप भी सामने वाले को समझो ना, आप भी उसे स्पेस दो ना। आप दोगे तो आप भी पाओगे, और पाने की इच्छा से मत दो कि मैंने तेरे लिए ये किया था तू मेरे लिए ये कर। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को समझ के चलते हैं और धीरे धीरे समझ डेवलप होती है। शादी हुई तो तुरंत अंडरस्टैंडिंग होगी ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। यदि लव मैरिज भी हो, प्रेम विवाह भी हुआ हो, तब भी ऐसा देखा है, उन लोगों के भी डिवोर्स होते हैं। उसका कारण क्या है कि जब प्रेम करते समय, जब एक दूसरे से मिलते थे, तो तब वे एक दूसरे को एक अलग नज़रिए से देखते थे। चूँकि 24 घंटे साथ में नहीं होते थे ना, कुछ घंटों का साथ था, तो करते करते दिल से लगाव हुआ और प्यार हुआ। लेकिन जब 24 घंटे साथ रहने लगे तो फिर कुछ बातें अखरने लगती हैं, स्वभावगत जो बातें होती हैं वो अखरती हैं, डिफरेंसेस आते हैं और असहिष्णुता बढ़ती है कि नहीं अरे ये तो तुम शादी के पहले कैसे थे, अभी कैसे हो, पहले तो मेरे लिए गिफ्ट लाते थे आजकल कुछ नहीं, पहले मेरी तारीफ करते थे आजकल कुछ नहीं। शादी होना, वो चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, एक दूसरे को समझने के लिए कम से कम 5 साल का समय देना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ कि पति पत्नी एक दूसरे को 5 साल का समय दें, फिर चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो। 5 वर्षों में हम एक दूसरे को बहुत कुछ जान जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में जो हमें एक आदत होती है कि हम हर किसी के जो दोष होते हैं वो हमें नज़र आते हैं, तो सबसे पहले हमें जीवन में दोष नज़र आएंगे किसी के भी, तो एक आध साल तक हम उसके दोष गिनते रहेंगे, दूसरे साल हम देखेंगे कि हाँ नहीं मेरी ये बुरी आदत है लेकिन ये सहन कर जाते हैं, यानी मैं कभी ऊंची स्वर में चिल्ला देती हूँ तो कभी सुन लेते हैं और चल देते हैं, कभी खाना ढंग का नहीं भी बना हो तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, अच्छा ठीक है करके छोड़ देते हैं बातों को, या किसी दिन मैं थक गई हूँ तो बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है आज हम बाहर जाके खा लेते हैं। यानी हम दूसरे या तीसरे साल में ये देखते हैं कि सामने वाला हमारे साथ कितनी बातें एडजस्ट कर लेता है, और कुल मिलाकर के 5 सालों में हम समझ जाते हैं कि ये इसके प्लस पॉइंट्स हैं और ये इसके माइनस पॉइंट्स हैं। तो जब हम धीरे धीरे एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं, कुछ उसकी कमियां हम स्वीकार करते हैं, कुछ हमारी कमियां वे स्वीकार करते हैं, तो इस तरह से एक दूसरे के साथ एक रैपो जो है वो डेवलप हो जाता है, एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध बन जाता है। तो 5 साल तक आप यूज़ एंड थ्रो मत करो। यूज़ एंड थ्रो कैसा होता है ना, हम चाय पी और वो क्या बोलते हैं उसको, डाल दिया कप, और जो हमारे चीनी के कप होते हैं जो हम सालों साल एक आध दो साल तो कम से कम चलाते हैं जब तक वो फूटता नहीं है या उसका कांड टूटता नहीं है तब तक हम चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें बस ये तुम्हारी बातें अच्छी नहीं, ये तुम्हारी बातें अच्छी नहीं, ये तुम्हारी बातें अच्छी नहीं, ऐसा एक बार को बोल दो तो चलेगा, लेकिन अबोला कभी मत करो। यानी कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि उन्हें गुस्सा आया ना तो वो बोलना बंद कर देते हैं कि मैं बात ही नहीं करूँगी। ये बहुत बुरा होता है, ये बहुत गलत होता है, क्योंकि जब हम बोलेंगे ही नहीं सामने वाले को समझ में क्या आएगा कि गलती हुई कहाँ, समझ में तो आए क्या हुआ। तो कभी भी कितना भी गुस्सा आए आपको ऐसे लगे कि हाँ मैं शायद बोलने जाऊँ ना तो सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाऊँगी, तो लिख दो तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, दे दो उसे, लेकिन दे दो। मैं कई बार हमारे यहाँ पे जो यूथ या अभी क्या बोलते हैं उसको, जिनको शादी को 4-5 साल हुए रहते हैं, 2 साल हुए रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग कार्यक्रम लेते हैं कभी कभी, तो उन लोगों को यही बोलते हैं, या शादी होने से पहले भी कई बार उन लोगों की मैं बुला करके एक आध बार चर्चा करती हूँ उन लोगों के साथ में, तो उनसे यही कहती हूँ कि कभी भी ना जीवन में ऐसे मत करना कि तुम्हें किसी बात पे बहुत तेज गुस्सा आया और बोलना बंद कर दिया। बोलना कभी बंद मत करो, कभी भी नहीं।
और आप दोनों वर्किंग हैं और आपको फुर्सत ही नहीं है बात करने की, यदि ऐसा है तो जो भी वीकेंड पे आपको दिन मिलता है उस दिन आप आराम से जाओ, किसी गार्डन में बैठो शांत जगह पे, और एक दूसरे से जितनी शिकायतें करनी कर लो, और जो अच्छा लगा वो भी बता दो कि ये सप्ताह में ये हमारे साथ अच्छा हुआ, लेकिन ऐसा हुआ ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। दोनों एक दूसरे से दिल खोल के बात कर लेंगे ना, तो शायद डिवोर्स का मतलब डिवोर्स की आवश्यकता ही नहीं होगी, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि डिवोर्स हो। क्योंकि कई बार हम लोग गलत फहमियाँ पाल लेते हैं। मान लो पति के साथ कोई लड़की अपने को अक्सर दिख जाए तो हम सोचते हैं ये लड़की के साथ कुछ चक्कर तो नहीं है। तो ये भी तो हो सकता है कि वो उसी समय पे ऑफिस जाती हो या उन्हीं के ऑफिस की हो, और ऑफिस की है और एक ही स्थान पे एक ही बस से आना जाना है, एक ही ट्रेन से आना जाना है, या बातें कर भी रहे हैं, तो हम गलत ही क्यों समझें। वो उसकी बहन भी हो सकती है, तो बहन भी मान सकते हैं दिल से, फ्रेंड भी मान सकते हैं, एक निखालस दोस्ती हो सकती है, एक शुद्ध मित्रता भी हो सकती है। ऐसा हम क्यों नहीं सोचते? क्योंकि जब हम किसी पुरुष से बात करते तो हम ये मान के चलते क्यों मेरे ऊपर ऐसे क्यों देख रहे हो, अरे वो मेरे लिए भाई की तरह है, वो मेरे लिए दोस्त है, वो मेरा सखा है। जिस तरह से द्रौपदी और कृष्ण की दोस्ती थी, तो कृष्ण उनके सखा थे, तो क्यों मेरा कोई मित्र नहीं हो सकता? सही है, आपका कोई मित्र हो सकता है तो उनकी कोई सखी क्यों नहीं हो सकती? तो यदि हम एक दूसरे को इतना इक्वली विश्वास करें, चलें और एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते रहें, तो मुझे नहीं लगता कि पति से अच्छा कोई दोस्त हो सकता है या पत्नी से अच्छी कोई सखी हो सकती है। तो हमें एक दूसरे के साथ शेयर करते रहना चाहिए, बांटते रहना चाहिए, और फिर जो भी गलत फहमियाँ होने वाली होंगी तो नहीं होंगी, और जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एक बार पता चले कि ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो हम भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। गुरुमा, पौराणिक कथाएँ भी हमारी संस्कृति की धरोहर है। इन कथाओं में ऋषि याज्ञवल्क, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि शांतिपनी की बातें हमारे गृहस्थ जीवन के लिए आदर्श है। ऐसा सुना है कि ऋषि सब परिवार होते हैं और मुनि एकांकी जीवन व्यतीत करते हैं। तो मन में एक जिज्ञासा है कि एक ऋषि का पारिवारिक जीवन कैसा होता होगा, और वर्तमान काल के ऋषि सदगुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी की आप धर्मपत्नी होने के नाते आपसे बढ़कर इस सवाल का उत्तर भला कौन दे सकता है? आपने इतनी रिस्पेक्ट दी उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं ऐसा, हाँ स्वामी जी जरूर ऋषि हो सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी कोई महान हस्ती नहीं हूँ, मैं एक सर्वसाधारण गृहिणी हूँ। मैंने भी जहाँ तक सुना है कि मुनि कठोर तपश्चर्या करते थे, एकांत में रहते थे और हठ योगी होते थे, और जो ऋषि होते थे वे परिणित होते थे, अर्थात गृहस्थ होते थे। तो हाँ, उस दृष्टि से स्वामी जी यदि ऋषि हैं तो मैं ऋषि पत्नी हूँ। गृहस्थ जीवन तो ऐसे कह सकते हैं, स्वामी जी के विषय में यदि कहूँ तो स्वामी जी ध्यान करते हैं, सुबह ध्यान करते हैं, जल्दी उठते हैं, सुबह ध्यान का समय होता है उनका, और वे ध्यान करते हैं, और उसके बाद में एक सामान्य व्यक्ति का जैसा जीवन होता है वैसा ही उनका जीवन होता है। यानी उसमें कोई ऐसे नहीं है, बल्कि वो अपने आप को अधिक सामान्य रखते हैं। सब तरह की चर्चाएं होती, बच्चों से बातचीत होती है, नाश्ता हम लोग साथ करते हैं या सुबह की चाय हम लोग साथ में पीते हैं, और दिन भर में कुछ भी क्या क्या काम है क्या नहीं सारी बातें होती हैं, और सर्व सामान्य व्यक्ति कैसे होते हैं उस तरह से उन्हें रहना अच्छा लगता है। अभी ये बात और है कि आजकल उन्हें उस तरह से रहने मिलता नहीं है। यानी हम लोग जब पहले, जब ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, ध्यान तो वे तब भी करते थे लेकिन हाँ अधिक लोग जानते नहीं थे, तो हम लोग, यानी मुझे अभी भी याद है जो मेरा लास्ट वर्किंग प्लेस था, तो हम लोग रहते थे तो स्वामी जी को जब कभी मुंबई जाना होता था या पुणे जाना होता था तो वे बस में बैठ के जाते थे, या इवन वहाँ से हम लोग अहमदनगर में थे तो अहमदनगर से नवसारी आना होता था तो वे बस में बैठ कर के ही आते थे, ओवरनाइट बस की जर्नी करते थे, नवसारी आते थे, बस स्टैंड से उनको कोई पिकअप कर लेता था और
इस तरह से वो अपने कार्यक्रम वगैरह देने जाते थे। और आराम से मोटरसाइकिल में भी कोई चला रहा है उसके पीछे बैठ करके भी जाते थे, और सारे सामान्य कार्य जैसे लोग करते हैं वैसे। अभी हम लोग जब अहमदनगर में थे, फ़ोन का बिल भरना होता था, मैं स्कूल जाती थी और सुबह से दोपहर तक तो बिज़ी होती थी, फिर दोपहर के बाद में बच्चों का होमवर्क लेना, यानी वो भी काम होता था। बागवानी मेरा खास शौक है, और वहाँ ईश्वर की दया से मुझे घर ऐसा, क्योंकि सरकारी क्वार्टर था तो अच्छा काफ़ी ज़मीन थी, तो मैंने वहाँ पे बागवानी भी कर मतलब शुरू की थी, क्योंकि वो ज़मीन ऐसे ही पड़ी हुई थी। मैंने पूछ ली परमिशन लेकर के, और उसकी सब हैज वगैरह लगाई, तार वगैरह खिंचवाए, सब किया, और गार्डनिंग शुरू की। तो यानी वो भी एक काम होता था कि हाँ बगीचे में पानी डालना है, खरपतवार उगी है तो उसे निकालना है, और वो सारे कार्य भी होते थे। साथ में मार्केटिंग, जो बाज़ार जाना है, जैसे एक हर गृहिणी का काम होता है कि बाज़ार जाना है, सामान लाना है। और वहाँ तो ऐसा था कि हमारे घर से 2 किलोमीटर इस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ, उस तरफ जाओ या इस तरफ जाओ, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ 2 किलोमीटर तक तो आपको माचिस की तीली भी नहीं मिलेगी। तो हर सामान लेने के लिए आपको 2 किलोमीटर दूर जाना होता था। तो वो सारे काम होते थे। तो जो फ़ोन का बिल भरना, ये जो काम होता था, और उस समय ये सारा ऑनलाइन वगैरह तो था नहीं, तो वो काम स्वामी जी करते थे। तो जब भी वो आते थे टेलीफोन का बिल भर के आते थे, तो यानी टेलीफोन के बिल की लाइन में भी वो खड़े रहते थे, बस से भी यात्रा करते थे, ट्रेन से तो यात्रा अभी अभी तक करते थे। फिर कुछ एक बीच में ऐसा हो गया कि हम लोग अजमेर जा रहे थे और गुरु पूर्णिमा के लिए जा रहे थे, और ट्रेन पूरी भरी हुई थी साधकों से। तो जब स्वामी जी उतरने गए, सोचा साधक उतर जाएंगे, फिर उतरता हूँ, तो साधकों ने बहुत भीड़ की और रेलवे स्टेशन पे काफ़ी परेशानी हुई, लिटरली पुलिस बुलानी पड़ी वहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो तब से रेल का प्रवास बंद किया, लेकिन उन्हें सर्वसामान्य इंसान की तरह रहना अच्छा लगता है, सर्वसामान्य मनुष्य की तरह जीना अच्छा लगता है। जैसे हर सामान्य मनुष्य भोजन करता है, वैसे ही वो भी सादा भोजन अधिक पसंद करते हैं और एक सामान्य सा जीवन जीते हैं। सच कहूँ तो ऋषि जो है ना, वो आत्मा से हैं, आत्मा से वे ऋषि हैं, बातों से, व्यवहार से वे ऋषि हैं, लेकिन जो जीवन है वो वैसे ही सामान्य जीते हैं, और उन्हें सामान्य रहना ही अच्छा लगता है। उन्हें से कोई बहुत विशेष करके कोई रखे तो उतना उनको वो नहीं पसंद आता, लेकिन समय की मांग होती है तो वो एकांत में रहते हैं, बाकी ऐसे नहीं। उन्हें ध्यान के लिए, हाँ, साल भर में जो 45 दिन हैं वो एकांत ध्यान में रहते हैं, और बाकी बच्चों के साथ भी वो उतना ही समय देते हैं जैसे एक नॉर्मल माता पिता देते हैं, और सभी के साथ में लोग भी जो मिलते हैं जुलते हैं, सभी को बहुत सामान्य व्यक्ति की तरह वो मिलते हैं, और वो बहुत अपने आप को भी हमेशा सामान्य मान के चलते हैं। तो ये तो हमें ही समझना होता है कि ऋषि वो हृदय से होते हैं, ऋषि वो आत्मा से होते हैं, व्यवहार से वो एक बहुत सामान्य इंसान की तरह रहते हैं। गुरु माँ, आप एक सफल शिक्षिका भी थी, तो आप युवा और बच्चों के मानस को बहुत अच्छी तरह से समझती होगी। आजकल हम देखते हैं कि कम मार्क्स आने पर भी विद्यार्थी आत्महत्या करने पर उतर आता है, या कभी प्रेम भंग होने पर भी, ऐसे किस्से समाज में हम देखते आ रहे हैं। तो इसके लिए माता पिता की अति महत्वाकांक्षा या दबाव कारणभूत है, या युवाओं का कमजोर मानस, इस परिस्थिति को कैसे बदला जा सकता है? इसके लिए दोनों जिम्मेदार होते हैं, माता पिता भी और बच्चे भी। माता पिता इसलिए ज़िम्मेदार होते हैं कि वो अपनी मतलब महत्वाकांक्षाओं को बच्चों पर लादते हैं। जैसे एक बहुत सामान्य सी बात है, बच्चा केजी भी नर्सरी केजी जा रहा है, फर्स्ट में पढ़ रहा है, और उसकी मंथली टेस्ट है या वीकली टेस्ट है या जो भी है, तो माता पिता क्या पूछते हैं, कितने मार्क्स आए बेटा? तो मैं शिक्षिका भी थी और पेरेंट भी थी, और कभी भी बच्चों से आप पूछ लीजिए, इतना उनका एजुकेशन अब सबका पूरा हो चुका है, मैंने कभी भी उनको नहीं पूछा कि बेटा कितने मार्क्स आए। ऐसा नहीं कि मैं टीचर थी और मुझे सब पता ही था,
मैंने कभी नहीं पूछा बच्चों को कि बेटा कितने मार्क्स आए। मैंने तैयारी से पहले उनको पूछा कि बेटा इसमें से क्या तुझे समझ में नहीं आया ये बता। तो उन्हें सब आना चाहिए, ये प्रयास मेरा रहा। उन्होंने सब लिखना चाहिए, ये जिम्मेदारी उनकी है। अब यदि वो नहीं लिखेंगे तो मैं समझा सकती हूँ, और फिर भी नहीं लिखा तो ठीक है। यदि वो चीज़ें समझते हैं, जानते हैं, तो वो अपने जीवन में अच्छे से उसके साथ में आगे बढ़ेंगे। भले उनके पेपर मतलब ऑन मार्कशीट उनके मार्क्स बहुत अच्छे ना रहे, लेकिन वो अपने जीवन में बहुत सफल व्यक्ति बनेंगे यदि उनका ज्ञान सही है तो। क्योंकि कोई भी इंसान जैसे आप हैं, मैं हूँ, अभी मैं क्या अपनी मार्कशीट लगा करके यहाँ पर घूमती हूँ? नहीं, मेरा तो काम बोलेगा मैं जो भी करूँगी। तो मैं सच बताऊँ तो जब मैं 11th में पढ़ती थी, मुझे बिल्कुल भी इस बात का होश नहीं था कि मतलब समझ नहीं थी, होश नहीं, समझ नहीं थी कि मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ वो मैं अपने लिए पढ़ रही हूँ। मुझे तो लगता था मैं मेरे माता पिता के लिए पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरी आई हमेशा बोलती थी, आई यानी माँ, तो मेरी आई हमेशा बोलती थी कि बेटा तू पढ़ ले, बेटा अच्छे से पढ़। क्योंकि सारी बहनों में मैं बड़ी थोड़ी ज़्यादा शैतान थी, चंचल थी। मुझे फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता था, लेटर ऑन हॉकी खेलना अच्छा लगता था, कॉलेज में गई वेट लिफ्टिंग करती थी, यानी स्पोर्ट्स मेरी पहली रुचि थी। मेरा पहला रुझान जो था वो स्पोर्ट्स की तरफ था, तो मुझे खेलना अच्छा लगता था, पढ़ाई में मेरा ध्यान नहीं था, तो मेरे मार्क्स बहुत कम आए थे। जब नौकरी के लिए मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरा सिलेक्शन हुआ कैसे, क्योंकि जो और लोग थे उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, मेरे तो उतने अच्छे नहीं थे। यूनिवर्सिटी में जाते जाते अच्छे मार्क्स हुए थे। सो प्राइमरी टीचर का जॉब है तो 11th की मार्कशीट देखी जाती है, ऐसा सोच करके मैं ये थी कि हाँ ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। सिलेक्शन हुआ, बाद में पता चला जो मेरा सिलेक्शन हुआ वो इसलिए नहीं हुआ कि मेरे मार्क्स क्या थे। मेरा सिलेक्शन इसलिए हुआ था क्योंकि सिर्फ मार्क्स के साथ यानी पढ़ाई के साथ साथ मुझे और क्या आता था। यानी मैं स्पोर्ट्स में अच्छी थी, मैं कल्चरल, मुझे कविताएं लिखना अच्छा लगता था, कहानियाँ, नाटक, डांस, ड्रामा, हर चीज़ मुझे पसंद थी। और वो सारी चीज़ें एक टीचर अपने बच्चों में सारे शौक जागृत कर सकता है, उनके अंदर की वो कला को विकसित कर सकता है, ये देखते हुए मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं ये मैंने अनुभव इसलिए बताया कि इस बात से सारे युवा भी समझें कि आपके जीवन में केवल आपकी जो मार्कशीट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। मार्क्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, मार्क्स से ज़्यादा आपका ज्ञान इम्पॉर्टेंट होता है। आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, आपको जो पढ़ाया गया। अब जैसे बच्चों को पढ़ाते थे, गणित पढ़ाते, मेरा गणित बहुत कमज़ोर था, मैं हमेशा बोलती थी ये गणित विषय रखा ही क्यों गया है। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने इस तरह से सोचा कि गणित क्यों रखा गया, क्योंकि मुझे हर चीज़ ना ऐसे खेलने कूदने के अंदाज में पढ़ाना पसंद था, फन वे में पढ़ाया मैंने हमेशा। हालांकि ये सारे सिस्टम, ये सारी जो क्या बोलते हैं शिक्षण पद्धति जो है वो अभी आई है, मतलब पिछले 10-15 सालों में, लेकिन मैंने तो जब से पढ़ाया मैंने ऐसे ही पढ़ाया, हमेशा हंसते खेलते कहानियाँ सुनाते और ऐसे करते ही पढ़ाया। बच्चे बहुत एंजॉय करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सीखे नहीं, उनको ज्ञान पूरा दिया, उसके साथ में इसका उपयोग किया है वो बताया। तो जैसे गणित पढ़ाया, एक ही साल मैंने गणित पढ़ाया, उसके बाद मैंने कहा प्लीज़ मुझे गणित पढ़ाने को मत देना, प्राइमरी टीचर्स को तो कोई भी विषय दे सकते हैं। सो मैंने कहा, लेकिन जिस साल मैंने पढ़ाया उस साल मैंने बच्चों को एक क्लास में ऐसे ही जस्ट हाट लगाई मैंने, मार्केट ऐसे ही, मैंने कहा घर से चीज़ें लेके आओ आप बेचोगे, कागज से रुपए बनवाए उनसे, वैसे ही बस ऐसे ही पेंसिल कलर से नोट बनाओ, 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपया, ऐसे 10 रुपए, और सामान बेचो और ये करो। तो आपने ये बेचा, ये कितने का? ये 12 रुपए का। तो आपने 20 रुपए दिए, अभी आपको 8 रुपए वापस करने हैं। तो ये यदि दूसरी का बच्चा सही पैसे वापस कर पाता है, सही कैलकुलेट कर पाता है, तो उसका गणित उसके काम का है। उससे बड़ा होगा तो आगे जा करके वो ये कैलकुलेट करे कि यदि 1 किलो इतने का है तो 100 ग्राम कितने का है। तो कहने का अर्थ, हर विषय का अपना महत्व है और वो बच्चों को समझ में आना चाहिए, लेकिन ज्ञान
ये उपयोग की चीज़ है, ज्ञान मार्क्स की चीज़ नहीं होती है। मार्क्स महत्वपूर्ण है, पढ़िए, मार्क्स लाइए। कुछ लोग अपने ज्ञान को मार्क्स में कन्वर्ट कर पाते, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, तो निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, वो अपने ज्ञान से बढ़ेंगे। आप कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट ले लो या बड़े बड़े सफल व्यक्ति ले लो, यदि हम अपने धीरूभाई अंबानी को ही ले लें, वो कितने क्या हाईली क्वालिफाइड थे, लेकिन उनके ऊपर रिसर्च करते होंगे लोग। तो बड़े बड़े लोग हैं, वो कोई पढ़ करके, यूनिवर्सिटी टॉप करके और किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले करके बड़े नहीं बने। वे बड़े बने हैं तो अपने ज्ञान से बढ़े हैं और अपनी मेहनत से बढ़े हैं। मैं सभी युवाओं से कहूँगी कि इतना कमज़ोर मत बनो। आपको क्या ये मार्क्स के लिए आपने जन्म लिया था? सोचो ना, जन्म क्यों लिया? जब आप आत्मा थे तो आपने क्या सोच के जन्म लिया होगा? नहीं समझ में आता है ना, तो उस बात को जानने के लिए आप अपनी आत्मा तक पहुँचो। पढ़ाई करना, भोजन करना, टहलना, घूमना, व्यायाम करना, व्यापार करना, नौकरी करना, विवाह करना, संतति को जन्म देना, ये सारा एक प्रकृति के इसका ही हिस्सा है और हम भी प्रकृति का ही हिस्सा हैं। जिस तरह से एक बीज उगता है, एक पौधा बनता है, एक जानवर है जो है वो किसी बच्चे को जन्म देता है, जलचर जो है वो भी जन्म देता है, इसी तरह हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया। हमें जन्म दिया, उन्हें खुशी प्राप्त हुई। उन्होंने हमें जन्म दिया तो माता से हमने जो जन्म लिया, आप सोचो हम माता से विमुख कब हुए? जब हमारी नाल काटी गई, बराबर है ना? नाल काटी तो हम माता से विमुख हुए और एक अलग व्यक्ति के तौर पे हमारा जीवन शुरू हुआ। हमारे भी भीतर की जितनी भी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, जो भी है, इन सब से जब हमारी नाल कटेगी ना, तभी हमें मोक्ष प्राप्त होगा। क्या आत्महत्या करने से हमें मोक्ष प्राप्त होगा? मेरे विचार में तो प्रत्येक आत्मा ने जन्म लिया है मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से। तो बाकी जो भी कर रहे हैं ना, वो तो उसकी तैयारी है। या जीवन हम जी रहे हैं, इस दुनिया को कुछ हम दे के निकलें, हम कुछ करके निकलें, तो दुनिया हमारे लिए कुछ कर रही है, हम दुनिया के लिए कुछ कर रहे हैं, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। कभी भी आत्महत्या, ये किसी भी चीज़ का निराकरण हो ही नहीं सकता। और माता पिता से तो बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि यदि आपके बच्चे छोटे हैं तो उनसे कभी मत पूछना कि आपके मार्क्स कैसे आए, कितने आए। क्योंकि आपने पूछा मार्क्स कितने आए, उसने बताया कि 25 में से मेरे 24 मार्क्स आए, आप कहेंगे एक नंबर कहाँ कटा बेटा। या आपके बेटे ने कहा कि 25 में से मेरे 10 मार्क्स आए, क्यों बेटा इतने कम क्यों आए? अगली बार वो 25 में से आपको 25 ला के दिखाएगा, लेकिन किस तरह से? वो नकल करेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कोई ऐसे गलत कार्य करे? क्योंकि आज एक गलत काम किया, कल को वो दूसरा गलत काम करेगा। धीरे धीरे उसकी आत्मा मरती जाएगी, अंदर से आत्मा बोलेगी, मन सुनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि माता पिता को भी तो जवाब देना होता है ना, उनको पूरे नंबर ला के दिखाने हैं ना, नंबर क्यों पूछना? आप अपना पार्ट देखो, आपने उनसे मेहनत कितनी करवाई, आपने उनको कितना प्यार दिया, क्या आपने अपना होमवर्क किया? माता पिता का भी होमवर्क होता है बच्चों को समय देना। ये नहीं है कि बच्चों से बेटा तू पढ़, ये क्लास जा, वो क्लास जा, यही नहीं है। बच्चों को समय दो, बच्चों के साथ आपका संवाद होना चाहिए, उनके दिल को जानो, उनकी परेशानियां समझो। हो सकता है कि क्लास में कोई उनकी बुली कर रहा है, हो सकता है कोई क्लास में उन्हें परेशान करता है किसी टीचर से, और आज समाज में क्या क्या होता है हम जानते। हम यदि बच्चों के साथ में अपना संवाद नहीं रखेंगे, दिल खोल के बातें नहीं करेंगे, तो फिर यदि बच्चे आत्महत्या कर लें तो किसी को दोष मत दो, हमारा दोष है। हम अपनी माता पिता के तौर पे हम अपनी महत्वाकांक्षाएं ना बच्चों पे ला दें। दूसरा, बच्चों के दिल को जाने, बच्चे क्या चाहते हैं। तो हम जितना बच्चों के लिए कर सकते हैं एज पेरेंट हमें करना चाहिए। और बच्चों को मानसिक रूप से कितना सशक्त बनाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। कभी बच्चों को डराओ मत,
कि पुलिस आ जाएगी, मैंने देखा है छोटे बच्चों को, ये मत कर पुलिस आ जाएगी, ऐसा मत कर पुलिस आ जाएगी। अरे पुलिस का हुआ क्यों दिखाते हो उसको, तो बोलो अरे वाह देख पुलिस आई है, अपने को हेल्प कर सकती है। हाँ कभी भी तुम खो जाओ ना, पुलिस वाले से रास्ता पूछ लेना, कभी भी तुम्हें कोई परेशानी है पुलिस वाले को बताना, आप अपना विश्वास दिखाओ, पुलिस जरूर आपको सहायता करेगी। तो समाज में जितने हैं सबके लिए रिस्पेक्ट जागृत करो, माता पिता के लिए, शिक्षकों के लिए, पड़ोसियों के लिए, सबके लिए आप जो जागृत करोगे बच्चों में, बच्चों को वही मिलेगा जो वो सोचते हैं। हम जैसा सोच के चलते हैं हमें समाज से वो मिलता है। हम सोचते हैं कि अरे आज तो ट्रैफिक मिलने वाला है, पक्का मिलने वाला है। हमने खुद अपने लिए एक बना करके रख लिया ना, मेंटल ऐसे माइंड सेट कर लिया, आज मुझे ट्रैफिक लगेगा, मैं क्या करूँगा, आज ऐसा होगा। आप ऐसे सोचो ना, आज तो मेरे लिए रास्ता पूरा खुला मिलने वाला है, बहुत अच्छा, आज ट्रैफिक नहीं होगा क्योंकि आज मैं 5 मिनट पहले निकल लूँ, मैं सही टाइम से पहुँचूँगी। आज मेरे जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है क्योंकि आज मैंने सुबह मेडिटेशन किया था। आज मतलब मैं तो बच्चों से भी बोलती हूँ, कभी कभी ऐसे ही स्कूल में भी बच्चों को बोलती थी, टुडे इज़ अ ग्रेट डे, जस्ट से इट, टुडे इज़ अ ग्रेट डे। तो क्या होता है जब हम एक उत्साह से बोलते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, आज का दिन शुभ है, तो हम एक ऊर्जा को अपने आसपास फैलाते हैं, वही ऊर्जा के साथ हम हर जगह जाते हैं और वो ऊर्जा, वो आभा मंडल हमारे साथ चलता है और हमारा वो दिन बहुत अच्छा होता है और दिन 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 बीतते बीतते हमारा जीवन पूरा बहुत अच्छा होता है। तो कभी कोई आत्महत्या मत करो, ये सोचो कि हमने जन्म लिया है तो कुछ अच्छे कार्य करने के लिए, समाज ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उस समाज को लौटा के जाना है, उधार रख के नहीं चलना है। और माता पिता भी अपने बच्चों को समय दें, अपनी महत्वाकांक्षाएं ना ला दें, और हर व्यक्ति एक सुदृढ़ व्यक्तित्व का धनी बने, ये सभी की जिम्मेदारी है, समाज की, माता पिता की और स्वयं प्रत्येक आत्मा की, प्रत्येक बालक की, शिशु की, हर किसी की। गुरु माँ, आजकल हम देखें तो समाज में हर कोई व्यक्ति आनंद पाने के लिए प्रयत्नशील है और उसे सुख न मिलने पर कभी व्यसनाधीन होते हुए भी हम देख रहे हैं, तो बच्चों जैसा आनंद सामान्य व्यक्ति कैसे पा सकता है? एक आनंदमय जीवन जीने के लिए क्या ध्यान सहायक हो सकता है? बिल्कुल सहायक हो सकता है। दरअसल मतलब मैं तो ये मान के चलती हूँ कि हम तो खुश रहने के लिए ही जन्मे हैं। जीवन में कितनी खुशियाँ होती है ना, वो हम लोग देखते ही नहीं हैं। हमारे आसपास खुशियाँ बिखरी रहती हैं, हम देखते नहीं हैं क्योंकि हमने कुछ सोचा है कि मेरी खुशी किस में है। तो सबसे पहली बात, जो बच्चा होता है ना वो कभी सोचता नहीं है कि उसकी खुशी किस में है। बच्चे को आपने एक अचानक से एक चॉकलेट दिखा दी, वो खुश हो गया। बच्चे को एक खिलौना दिखा दिया, वो खुश हो गया। बच्चे को एक गुब्बारा दिखा दिया, वो खुश हो गया। तो हम क्यों नहीं हो सकते खुश? तो कभी कभी ना ये सारे कवच, एक बार हम क्यों ऐसा होता है वो भी बताती हूँ कि हम ना अपनी चारों तरफ एक बहुत सारी लेयर्स लगा करके बैठे। सबसे पहले कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, किसी ने जाना, किसी ने ये बात को जान लिया तो हाय हाय मेरे बारे में क्या सोचेगा। एक जो आपने अपनी ही इमेज बनाई है, अपनी एक लिमिटेशन बना ली है, आप असीमित बनो ना। सीमित क्यों होते हो? क्योंकि आपने बोला अभी, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं शिक्षिका हूँ, तो मुझे ऐसे करते हुए किसी ने देख लिया तो क्या होगा, या मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, बच्चे क्या सोचेंगे, स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे। यानी इसका एग्जांपल दूँ तो मुझे ये प्रश्न का उत्तर नहीं आता, यदि ये बात बच्चों को पता चली तो क्या होगा। मैं अपनी एक शिक्षिका का ही एग्जांपल दूंगी। मेरी कल एक फ्रेंड थी, बहुत ही अच्छी, मतलब मुझे उसका दिल खोल बोलना इतना अच्छा लगा। मेरे बेटे को, वो मतलब बेटा 9th में पढ़ता था और कुछ ये पढ़ा रही थी, मोटर 2-stroke 4-stroke मोटर के बारे में कुछ था उसने पढ़ाया। और बेटा रिसेस में हम लोग घर पे ही आते थे क्योंकि स्टाफ क्वार्टर्स पास में ही थे, खाना खाने के लिए घर पे ही आते थे। तो मैं गरम गरम रोटियां बना करके, मतलब बाकी सारे तैयारी करती थी, वक्त रिसेस में आते थे, आधे घंटे में फटाफट मैं रोटियां बनाती थी, बच्चे खाते थे, फिर मैं खाती थी और हम लोग निकलते थे।
तो मैं रोटी बना रही थी तो बेटे ने आकर के हाथ धोते धोते बोला, आई आज तो बहुत मज़ा आया, आज ना मैडम ने हमको टू स्ट्रोक मोटर फोर स्ट्रोक मोटर के बारे में समझाया। और वो पूरा बोलने लगा कि उन्होंने क्या क्या समझाया और वो सब। मैंने कहा अच्छे से समझ में आ गया? तो बोले हाँ। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा। उसके बाद में मैं स्कूल गई, जब मेरा फ्री पीरियड था स्टाफ रूम में, बाय चांस वो सब्जेक्ट टीचर का भी फ्री पीरियड था, और उसने कहा, मैंने उसको कहा मैडम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया और बेटा बता रहा था आपने ये समझाया ये समझाया। वो बोली अच्छा उसको समझ में आ गया? मैंने कहा हाँ, ऐसे क्यों कर रही हो? तो बोले नहीं एक्चुअली ये मुझे ही समझ में नहीं आया है अभी तक। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा आपको समझ में नहीं आया, आपने समझाया कैसे? तो बोली क्या बताऊँ, ये चैप्टर मैं ना प्रयास करके भी नहीं समझ पाई, लेकिन अच्छा है तुमने बता दिया, अभी इसको अच्छे से समझ में आ गया। अब किसी ने भी पूछा तो मैं बोलूँगी अरे कितना आसान है, तुम्हें तो ये भी समझा देगा। तो कहने का मतलब कि उसने ये एक क्षण को नहीं सोचा कि मैं ऐसा बता दूँगी कि ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया है तो ये टीचर क्या सोचेगी। तो आप इतना खुला रहिए ना, जो नहीं आता है कोई बात नहीं है, हर चीज़ किसी को नहीं आती है, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। तो हम जितने अपने आसपास ये लेयर्स बना के रखेंगे कि किसी ने ये देखा किसी ने ये सोचा, तो हम कभी बच्चे नहीं बन सकते। बच्चों की तरह रहो ना। बच्चे कभी सोचते हैं क्या कि मैंने हम ही बोल कि मैंने ये घर के कपड़े पहने, अब मैं बाहर कैसे जाऊँ? बच्चे तो कैसे भी निकल जाते हैं, हम ही माता पिता बोलते अरे बेटा ढंग के कपड़े तो पहन बाहर जा रहे हो। बच्चे बनो, बच्चों की तरह रहो, खुश रहो। हम पक्का खुश रह सकते हैं जब हम ध्यान करते हैं ना, तो हम आत्मरूप होते हैं, जब हम आत्मा के कनेक्शन में होते हैं, आत्मा से जुड़े रहते हैं, तो आत्मा शरीर नहीं होता है, और जब शरीर नहीं होता है तो शरीर का कोई बंधन भी नहीं होता है, और शरीर का कोई बंधन नहीं होता है, हमारा मस्तिष्क कुछ समय के लिए शांत होता है, विचार कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं, और जब विचार बंद हो जाते हैं तो तनाव भी नहीं रहता है, सारी जो हमारी नसें हैं वो भी आराम से आराम की स्थिति में रहती हैं, कोई तनाव नहीं, एक पूरी नींद लेने का जो सुख होता है वो हमें आधे घंटे में मिल जाता है जब हम आधा घंटा ध्यान कर लेते हैं। कोई विचार नहीं, कोई बात नहीं, केवल आत्मा और आत्मा। देह की वहाँ कोई उपस्थिति नहीं तो देह की वहाँ कोई बात नहीं। और जब ये आधा घंटा ध्यान करते हैं तो मन का सारा स्ट्रेस, सारी चिंताएं, कोई भी तरह का डर, किसी भी तरह की कोई बात जो हमें बुरी लगी है, ये सारी सारी भावनाएं दूर हो जाती हैं कुछ समय के लिए, और वही कुछ समय हमारे मस्तिष्क पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है, और धीरे धीरे हमारे भीतर एक भाव जागता है कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और जब ये भाव जागता है तो देह के जो भी देह से जुड़ी बातें होती हैं वो हम पर उतना प्रभाव नहीं करती हैं, और धीरे धीरे करके देह का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर पड़ना कम होता है, तो मस्तिष्क भी अपने आप तनाव करना कम कर देता है, तनाव रखना कम कर देता है, और जितनी भी जो भावनाएं हैं, जो ऐसी बातें हैं, जो दुख है वो हमसे दूर रहते हैं, जो भी पॉजिटिव बातें हैं, सकारात्मक बातें हैं, हमारा चित्त उस ओर जाता है, जो हमारे आसपास प्रकृति है हम उसमें से सुगंध ढूंढ लेते हैं, जो भी चांद सितारे हैं उसमें से ठंडक हमें मिल जाती है, जो भी सूर्य है उससे रोशनी हमारी आत्मा को मिल जाती है, और हम ये महसूस करने लगते हैं कि हम भी प्रकृति का एक हिस्सा हैं, और जिस तरह से प्रकृति में बदलाव आता है जीवन में भी बदलाव आता है, जिस तरह से रात के बाद दिन आता है जीवन में भी ऐसा ही होता है, जिस तरह से ग्रीष्म के बाद शीत ऋतु आती है
तो वैसे ही ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु और वर्षा ऋतु के बाद शीत ऋतु, ऐसा क्रम हमारे जीवन में भी चलता है। आनंद की वर्षा होती है, शीतलता का एहसास होता है, आनंद होता है, सभी और वसंत होता है, और उस वसंत को हम प्रतिपल महसूस कर पाते हैं जब हम नियमित ध्यान करते हैं। अंत में गुरु माँ, आप एक आध्यात्मिक प्रतिभा है, तो एक जिज्ञासा जो हर एक मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी तो होती है कि मनुष्य के जीवन का ध्येय क्या है और मनुष्य देह धारण क्यों करता है? मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष प्राप्ति है, किंतु जिस तरह से कई लोग मानते हैं, वैसे मैं भी मानती हूँ कि हम लोगों ने भी और जन्म लिए होंगे और शायद कहीं कोई इच्छाएं अधूरी रह गई होंगी, तो वो इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु जन्म लिया होगा, किंतु यह जन्म अंतिम जन्म है, ऐसा मान लेने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जब हम ये मानते हैं कि ये मेरा अंतिम जन्म है, तो हम ये भी मानते हैं कि इसी जन्म में हमें सब कुछ कर लेना है। तो जिस तरह से हमारी कुछ इच्छाएं रही होंगी, वैसे ही हमारे कुछ कर्तव्य रहे होंगे, वो सारे पूर्ण करने हेतु हमने जन्म लिया होगा। तो एक बात होती है, हम लोगों में से कोई नहीं जानता कि हमारा जीवन जो है वो कितना लंबा है, यानी हम कितने वर्ष जीने वाले हैं। हम बहुत आराम से कहते हैं कि कल मैं ये करूँगा, परसों मैं ऐसा करने वाला हूँ, 2 साल बाद ऐसा करने वाला हूँ। और हम महिलाएं भी बहुत मज़ेदार होती हैं, कल सुबह नाश्ते में क्या बनेगा, कल दोपहर को भोजन में क्या बनेगा, यहाँ तक कि सारी हम लोगों की लिस्ट तैयार होती है, मन में आयोजन होता है। जबकि हम ये नहीं जानते हैं कि कल सुबह मैं नींद से उठने वाली भी हूँ या नहीं हूँ। तो जब हम ये मान के चलें कि आज का दिन है ना मेरे जीवन का अंतिम दिन है, तो इसको आप किसी भी तरीके से ले सकती हैं। मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मैं जानती हूँ कि आज का दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन है, तो मुझे जितने लोगों से मिलना है मैं मिल सकती हूँ। अचानक होने वाली घटना तो है नहीं ना, मैं आज का दिन है पूरा, मेरे पास 24 घंटे हैं, तो आज के दिन में मैं क्या क्या कर लूँगी? तो मैं बहुत कुछ कर लूँगी, जिनसे मिलना है उनसे मिल लूँगी, किसी से मेरा दुर्व्यवहार मुझसे हो गया क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने कुछ बोल दिया, मुझसे कुछ दुर्व्यवहार हो गया, तो बाबा चल टाटा बाय बाय, फाइनल करने का वक्त आ गया है, तो मैं उससे क्षमा भी मांग लूँगी। मेरी इच्छा है कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से भोजन करा के जाऊँ, तो मैं वो भी बना लूँगी। और मेरी इच्छा है कि एकाध कविता तो लिख के जाना बनता है, क्योंकि कविता लिखना मेरा शौक़ है, तो वो भी मैं लिख डालूँगी। और चूँकि बागवानी मेरा शौक़ है, तो बगीचे में पानी भी डाल के जाऊँगी। तो मैं मेरी वो हर इच्छा पूरी करूंगी जो आज के दिन में मुझे करनी है, जाने से पहले मुझे कर ही लेना है, वो सारे काम मैं आज करूंगी। जब मैं ये मान के रोज उठती हूँ, तो मैं अपने जीवन में वो सब कुछ करती हूँ जो मैं सोचती हूँ कि बस आज ही मेरा आखिरी दिन है, तो आज मुझे ये कर लेना है, आज के दिन में मुझे ये कर ही लेना है, क्योंकि फिर ये तो मेरा लास्ट है। तो ये जब मान के जीते हैं, तो हर दिन में हम आनंद ढूंढते हैं कि जाने से पहले चल मुझे एक मूवी देखनी थी तो देख ही लूँ, तो मुझे ये करना था कर ही लूँ, मन में कोई इच्छा क्यों अधूरी रख के मरें। तो ये थोड़ी ना है कि कोई अभी स्वामी जी की पत्नी है तो मुझे ये करने का हक नहीं है, मुझे सब काम करने का हक है। तो वैसे ही आप जहाँ भी हैं, आप कहीं के डायरेक्टर हैं, आप कहीं कुछ भी काम करते हैं, आप बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, या आप कोई सीने एक्टर एक्ट्रेस हैं, या आप टेलीविज़न में दूरदर्शन पे काम करते हैं, या आप जो भी हैं, सबसे पहले आप एक इंसान हैं, और इंसान को हक है कि वो सारे कार्य करे जिससे किसी को तकलीफ ना होती हो। उसको वो हर काम करने का हक है जिससे उसकी आत्मा को आनंद मिले और किसी को कोई तकलीफ ना हो। ये तो काम करने की उसको हक है और उसे कर लेना चाहिए। तो जीवन में कोई इच्छा अधूरी मत रखो, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। सारे कार्य करो, जीवन में खुश रहो, और अपने हर दिन को अंतिम दिन मान के चलो, ताकि आपको कभी रिग्रेट ना रहे कि अरे मैं इससे क्षमा नहीं मांग सकी।
मैं ये कार्य नहीं कर सकी, मेरा ये काम अधूरा रह गया, ये काम अधूरा रह गया। आप हंसोगे लेकिन मैंने सच में, मैंने एक डायरी में कविता लिखी है कि मतलब इसी तरह की है वो, कि ये मेरा आज का मतलब मेरा दिन जो है ये अंतिम दिन है, मैं बस अब जाते जाते टाटा बाय बाय करते करते ये कहना चाहती हूँ कि यदि मेरी याद आए तो तुम क्या क्या करना, क्योंकि मैं जाऊँगी तो हो सकता है मेरे बच्चों को मेरी याद आए। तो मैंने ऐसी कविता भी लिख के रखी है, उसमें जो भी याद आता है मैं उसमें लिख देती हूँ। तो जब भी मैं ये मान के चलती हूँ कि हमारे जीवन का प्रत्येक दिन अंतिम दिन बना के चलो तो खुशी है, आनंद है, उसी में जी लो। क्योंकि पता चले अचानक अरे मैं आज मर रही हूँ तो मेरी बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी, और मैं कोई ऐसी अटैचमेंट रखना नहीं चाहती हूँ, कोई ऐसी नाल नहीं रखना चाहती हूँ कि जो कटे बिना मैं निकल गई तो अगले जन्म फिर से लेना पड़ेगा कि अरे ये इच्छा अधूरी रह गई थी। सो हर इच्छा पूरी करके चलो, किसी को दुखी करके मत जाओ, सबको खुश रख के चलो, क्योंकि एक का फूल की तरह हर व्यक्ति होता है, और हर फूल जो है ना वो खुशी देने के लिए होता है, वो अपने आप में भी खुश होता है और वो खुशी भी देता है, चाहे वो जंगल का फूल हो। मैं सिर्फ कोई गुलाब, मोगरा, कमल की बात नहीं करूँगी, वो जंगल के बिल्कुल जंगली बेलों में उगा हुआ फूल हो, देखो उसके क्या सुंदर रंग होते हैं, क्या सुंदर रूप होता है। हम लोग तो नॉर्थ ईस्ट में रहे हैं और बहुत सुंदर प्रदेश है, हर जगह खूबसूरती है, सुंदरता है, सौंदर्य है। यहाँ हम कच्छ में हैं, कच्छ में भी एक अलौकिक सौंदर्य है, यहाँ भी प्रकृति में एक सौंदर्य है। यहाँ यदि जनसंख्या कम है उसका एक लाभ है कि निर्विचारिता की स्थिति बहुत जल्दी मिल जाती है, क्योंकि जो थिकनेस ऑफ पॉपुलेशन है वो कम है, जो बड़े बड़े शहरों में हम नहीं देख पाते वो यहाँ क्षितिज हम आराम से देख पाते हैं। तो हर जगह कुछ अच्छा होता है, कुछ कम होता है, तो उस अच्छाई और कमी के साथ जब हम जिए तो हम बहुत खुश जीते हैं अपने जीवन को। आपको क्या मिला उसके साथ जीना सीखें, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। यहाँ का क्षितिज देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जीवन में भी जीवन का क्षितिज मैं हर रोज़ देख के चलती हूँ कि वहाँ जीवन का अंत है। भले ही दूसरे दिन का सूरज देख लूँगी तो उस दिन को भी जी लूँगी, लेकिन मेरे लिए आज का दिन अंतिम दिन है। तो यदि आज का दिन अंतिम दिन है तो मैं सभी से कहती हूँ कि जीवन को पूरा खुशी के साथ जिए, उत्सव की तरह जिए, मेले की तरह जिए। ये जीवन भी एक मेला है, जीवन एक उत्सव है, जीवन एक बगीचा है, और इसके हर पुष्प का आनंद लो, मेले की हर राइड का आनंद लो, है ना। जीवन जैसे मैरी गो राउंड होता है, हिंडोला होता है जो ऊपर से नीचे जाता है, और तरह तरह की राइड्स होती हैं, जीवन भी ऐसा ही है, हम कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं, तो हर चीज़ का आनंद लो ना। हम मेले में हैं, मेले में हम कभी चक्री में घूमते हैं, कभी हम हिंडोले में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो सब चीज़ का आनंद लेते हुए जिए। अंतिम दिन है तो सबको अंतिम नमस्कार। बाकी जीवन को ऐसे ही मान के चलो और उत्सव की तरह जियो। अंत में गुरु माँ चंचल ने इसके विशेष प्रोग्राम में हमें और हमारे दर्शक मित्रों को बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सभी को, सभी आपके दर्शकों को भी धन्यवाद, और विशेष तौर पे आपका धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से ही सब तक पहुँच सकेंगे। तो मैं तो और कुछ नहीं, पहुँचना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है यदि मेरे बोलने से कोई एक व्यक्ति भी प्रेरणा पाता है और वो अपने जीवन को पूरे सच्चे तरीके से जी पाता है, तो मेरा भी जीवन सफल है।